बिजिया भाई तू हमें तेरी याद बहुत आएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज का दिन बहुत क्लीन क्लीन लग रहा है क्योंकि बारिश हुई थी और सब कुछ धुल गया। पेड़ पौधे भी ज़्यादा ग्रीन लग रहे हैं और एक हवा में एक फ्रेशनेस है ना, ठंडी ठंडी आती है, ऐसा लगता है कि एकदम क्लीन एयर आ रही है पूरी, कोई पोल्यूशन जैसा कुछ नहीं है। आज अच्छा लग रहा है। आज मेरी माँ चाय बना रही है, बैठो। पचहत्तर सौ रुपया लगा तो देता हो तो ले जाओ, 7,500 में दे जाओ। अब देव तो 8,000 रुपए ले लिया सुबह यार, 8,000 तो बंड का ही किया, अब गलत कौन लगाया, 8,000 रुपए ले लिया। सही बात है, फोकट में ले जाओ फिर। तो लेट जाए मेरा बकरा बकरी भी देव था, वो था जी वो काला और कहीं बताओ लो। धनी तो 12,000 मांगे जे, तू तो रिपे कौन पड़ रही, मैं तो कचरा गटका गोपाल गोपाल भाई, तू पैसा कम लगा दीजिए भाई साहब, सही लगा दो 8,500 का लगाया है। अब तक देव बाबू देव बाबू भेज दे, 2 साल गए हम पाटा दे चुके सनम, हम पाटा दे चुके सनम भाई, पाटा बिक गया। बिक गया भाई तू जा मजे कर, बहुत चारा खा लिया तूने हमारा, जा हमें तेरी याद बहुत आएगी। दो 3,000 रुपए मार्जिन ले चल जो। तो भी चाचा जी का फोन आया कि चाय बना कर लेके आ, 3 कप चाचा जी का, हनुमान चाचा का। और ये देखो, ये दोनों मेरे पास वीडियो देखने के लिए यहीं पे बैठे हैं सुबह से, देख लिया है कैसा लगा? अच्छा लगा। चलो चाय बनाते हैं। चलो भाई,
तू तो चाय देखकर मैं आ गया घर पे और अब देखो क्या करते, थोड़ा नहाने नहाते, कपड़े भी धोने। यार अब तो बारिश में फिर से मौसम हो रहा है, बारिश ना आ जाए आज। आज कहीं जाने का प्लान है नहीं आएगी, आई थिंक मेरे को लग रहा है धूप निकलेगी। चलो तो ठीक है फिर यार, मैं नहा के मिलता हूँ, पहले नहा लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ आपसे। और मैं नहाकर जस्ट निकला ही था कि पापा जी का कॉल आ गया कि जल्दी से बाइक लेकर खेत पर आ, मुझे कहीं जाकर आना है। तो फिर मैं वहां चला गया और वहां जाते ही पापा जी के निकलते ही थोड़ी देर बाद में मम्मी भी खेत पे आ गई सब्जी तोड़ने के लिए। इधर तो देखो बारिश, बस मेरा कपड़ा सूख जाए, कपड़ा नपी जाए मेरा। तोड़ ले तू, मजा आऊ। मम्मी बोल रही ग्वार की फली तोड़ेंगे, चलो ग्वार की फली तोड़ते हैं। ये भिंडी वाला जन पेड़, भिंडी के पेड़ लगे हुए एक साइड। 15-20 तरह की सब्जी लगा के रखती है मेरी मम्मी छोटी सी जगह में। देखो वो पूरा ग्वार, उसके आगे मिर्च, उधर इधर बैंगन के लग रहे 3-4, टमाटर के भी थोड़े बहुत, पहले आलू थे यहाँ पे, उससे पहले प्याज थे, इस जगह में खड़ा हूँ यहाँ पे। वाह कमी लग रही है, तोड़ दी लगता है। और 2-3 गन्ने के पेड़ भी लग रहे हैं, एक एरा गन्ना। दिवाली को तो हम हमारा गन्ना ही रखते लक्ष्मी माता के पास। और ये देखो मम्मी टोकरी दिखाओ, टोकरी सब्जी डालने की टोकरी, कंगारू की तरह पोटली ये देखो वो हमारी चारे की टाल, उधर चारा, भिंडी भी लगी। ओहो भिंडी का फूल आ रहा है, कौन सी है? ओ ये रही यार, देखो भिंडी, भिंडी लग रही है। काचरी भी लग रही है। मम्मी मैं जा रही हूँ, पिज्जा भी देने दो मैंने, ठीक है? ठीक चलो मैं चलता हूँ। तो मम्मी बाद में आएगी, अभी मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाइक से जाना है। अब बाइक का वीडियो तो आप देख नहीं सकते गिर गया तो हाथ पे टूट जाएंगे मेरे। सुरेश बॉडी दिखा रहा है सुरेश। तो अब मैं फोन को लगा रहा हूँ, चार्जिंग खत्म हो चुकी है इसकी भाई, और स्पेस भी फुल भर चुका है। तो कल वाले वीडियोस को डिलीट करूंगा और अभी चार्ज लगा के खाना खाऊंगा। तो अभी बस खाना खाया और पढ़ने का मूड था यार पहले तो, खाना खाने से पहले, लेकिन अभी नींद आ रही है। 12 बज गए। गुड इवनिंग दोस्तों, और मैं सो रहा हूँ। मम्मी ने जो नया वाला गोदड़ा बनाया था ना उस पे, ये रहा।
और मैं अभी उठा ही था कि बाहर देखो मौसम बारिश का, फुल बारिश होने से मर गए। और मैं लेने जा रहा हूँ चारा। ले लो जी चारा लेकर आ गया मैं। चारा वहाँ पड़ा है सीढ़ियों के नीचे। नींबू, नींबू का पेड़ लगा हुआ यहाँ पे, ये वाला। और चलो अभी चाय बनाएंगे भाई साहब। चाय के लिए क्या लगे कि चीनी, पर चीनी हो गई है ख़त्म, चलते दुकान पे। चलो चीनी आ रही हुई हमारी, चीनी और नमक दोनों में लेके आ चुका हूँ। तो मेरी बॉडी बन गई भाई, इसमें वजन है चीनी में निकिता। और आजकल क्या कि मेरे हाथ में फोन देखते हर कोई भागने लगता है, बस हर कोई फोन हाथ में देखते भागने लगता है। सभी डरे हुए आतंक में है अभी मेरे, इसलिए जो भी मेरे हाथ में फोन वोन देखेगा सीधा भाग जाता है। ये लो मम्मा, मम्मा हेलो तो कर दो, आज तो आपने हेलो भी नहीं किया। हेलो, ये लो भाई हेलो हो गया आज का। चलो अभी चाय बन रही है, चाय पियेंगे। हाँ चाय, चाय पहले नहीं बनाई मम्मी ने आज, क्योंकि आज बारिश आने वाली थी और चारा काटना जरूरी था, कल भीग गया था ना चारा, इसलिए। और अभी चारा काट के ले आए हम लोग। कितने बजे? 5:30 बजे। फिर भाई साहब 7:30-8:30 बजे चाय, फिर दोपहर में अगर मूड कर गया तो चाय, फिर 3 बजे 3:30 बजे चाय, फिर 5 बजे चाय। 5-6 बार चाय बनती है दिन में, सारे दिन में। और कोई मेहमान आ जाए उस दिन तो गिनती गिनो मत, पर लगभग सभी के घर में बनती इतनी, तो हमारे घर में ज़्यादा बनती है। और एक बार फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो शाम को बारिश रुकने के बाद मैं अपने एक दोस्त से मिलने चला गया था। वहाँ पे मिल के थोड़ा टाइम स्पेंड किया 1-2 घंटे, और फिर वहाँ से आया कि मैं तुरंत मैंने एडिटिंग की पूरी वीडियो की, और जो अभी एडिटिंग करने के बाद नेट की स्पीड ज़्यादा आ नहीं रही थी। अब मैं नीचे था रूम में, 40-45 KV की स्पीड आ रही थी पर सेकंड की, तो फिर मैं छत पे चला गया। छत पे जाके पूरा वीडियो अपलोड किया, और अभी टाइम हो रहा है देख लो 11 बज चुके हैं। मम्मी पापा सो चुके हैं और अब मैं भी सोऊंगा। मैंने वीडियो शेड्यूल लगा दिया है, सुबह 8 बजे प्रीमियर हो जाएगा, तो जाके देख लेना। बाकी कमेंट ज़रूर कर दिया करो, बता दिया करो कैसा लग रहा है, और सपोर्ट किया करो यार। अच्छा लगे तो बताओ क्या चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगे तो वो भी बताओ। चलो अभी के लिए गुड नाइट, सो जाओ अच्छे से, सो सुबह मिलते हैं। और ये देखो, ये तो आपको पता है कुछ दिन का मेहमान है। जा जा बेवफा जा।